जनपद में स्वीप के एक्टिविटीज करी जा रही हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करे जा रहे हैं, अभी लोगों को जागरूक करें कि आप लोग जो भी वोटर्स हैं हमारे जनपद अलीगढ़ के, जिस दिन भी मतदान होता है उस दिन अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। अलीगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज अलीगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा एक अनोखा कार्यक्रम यानी कि पतंगबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में किया जा रहा है और यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ की जो सीडीओ हैं आकांक्षा राणा, वो जो है पतंग उड़ाती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। साफ तौर पर अलीगढ़ की जिला प्रशासन का जो नजरिया है वो मतदाताओं को जागरूक करना और मतदाताओं को जो है मतदान के लिए जागरूक करना जो है लगातार उद्देश्य है। मेरे साथ फिलहाल जो सीडीओ आकांक्षा राणा है मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम से आखिर क्या उद्देश्य जो है देना चाह रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया है और क्या इसका उद्देश्य है पूरा? जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में लोकसभा निर्वाचन चल रहे हैं और उसी के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में 26 अप्रैल को लोकसभा जो अलीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे मतदान है और जो हाथरस कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे 5 मई को मतदान है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में स्वीप के एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करे जा रहे हैं जिसमें हम डोर टू डोर लोगों को जागरूक करें, साथ ही साथ लार्ज स्केल में भी न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जनपद अलीगढ़ के इस स्टेडियम में ये पतंग उड़ाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि हम सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को जागरूक करें कि आप लोग जो भी वोटर्स हैं हमारे जनपद अलीगढ़ के, जिस दिन भी मतदान होता है उस दिन अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। मैम, पतंगों के माध्यम से जागरूक करने का ऐसा कैसा विशेष संदेश ये कहां से नजर आया? नहीं, ये तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कोई भी कार्यक्रम करें उसका मेन पर्पस यही होता है कि लोग इकट्ठे आए और लोगों के पास फॉर्मली या इनफॉर्मली ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि आपको अपने लोकतंत्र के लिए मतदान करना कितना आवश्यक है। और ये आप जितना ये लोग को डायरेक्ट बताते हैं तो वो मैसेज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, परंतु आप इनडायरेक्टली अगर बातें बताते हैं किसी गतिविधि के द्वारा जहां पे लोग एक्टिवली इंगेज भी करते हैं तो उसका जो मैसेज होता है वो ज़्यादा ही आप मतलब इम्बाइब कर पाते हैं। तो ये आपने भी आज पतंग उड़ाई है, किस तरह का संदेश देंगे आप जनको? आज तो मैंने पहली बार पतंग उड़ाई है, थोड़ी सी उड़ी बाकी तो गिर गई। तो उसके माध्यम से यही है कि एक तो ये है कि एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, साथ ही साथ ये है कि इसका बस मेन जो मैसेज है वो बहुत ही सीरियस मैसेज है कि आप लोग अवश्य आपके जिस भी मतदान केंद्र में आपका वोटिंग, आपका जो आप वोटर है तो वहाँ पे अवश्य आप लोग जाके मतदान करें। देखिए, मेरे साथ जो है अलीगढ़ की सीडीओ आकांक्षा राणा मौजूद थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि आमजन को जागरूक करने के लिए और मतदान के लिए जागरूक करने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी वसीम सलमानी के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।